नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा कुमार नरेश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन गैस सिलेंडर में हो रही बेईमानी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस इंडियन गैस सिलेंडर की बेईमानी का शिकार जब मैं हुआ तो मैंने इस पर वीडियो बनाना अच्छा समझा। क्योंकि दोस्तों, इस बेईमानी का शिकार मैं ही क्या, पहले भी बहुत लोग हो चुके थे, लेकिन यह बेईमानी पहले मेरे सामने नहीं आई थी। तो इसलिए इस इंडियन गैस सिलेंडर की बेईमानी से आप लोगों को बचाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा यह वीडियो बना दिया। तो दोस्तों, वीडियो छोटा होने वाला है और इस छोटी सी वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों को इंडियन गैस सिलेंडर के प्रति सावधान कर देने वाला हूं। तो देर किस बात की, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन कर लीजिए ऑल पर सेट, क्योंकि दोस्तों मेरे द्वारा बनाई गई ऐसी वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में थोड़ा प्यार जरूर दिखाना, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो मेरे द्वारा यह वीडियो बनाना बेकार मान लेना। तो दोस्तों, आखिरकार इंडियन गैस सिलेंडर की बेईमानी क्या है और ये कैसे मेरे साथ हो गई, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, जब मैं इंडियन गैस सिलेंडर बुक सारा कम्प्लीट करने के बाद मैं इसे अपने पास वाले सर्विस गोदाम से लेने गया था, क्योंकि दोस्तों गैस सिलेंडर डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं अपने पास वाले सर्विस गोदाम में इसे लेने गया था। तो वहाँ पर मुझे इंडियन गैस सिलेंडर में दो चीज़ें देखने को मिली। जो नए सिलेंडर होते हैं उसमें 2 से 3 किलो गैस कम डाला जाता है, और जो पुराने वाले गैस सिलेंडर होते हैं उसमें गैस एकदम सही डाला जाता है, जिसका प्रूफ भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं हो सकता कि पुराने वाले गैस सिलेंडर में गैस एकदम सही रहे, तो इसलिए दोस्तों गैस सिलेंडर में भरी हुई गैस की मात्रा 14 किलो 200 ग्राम होनी चाहिए, और इसके अलावा खाली सिलेंडर का वजन 15 किलो से 16.5 किलो तक हो सकता है, जिसका पता आप हर सिलेंडर के ऊपर हिस्से पर देख सकते हैं, ये सब डिटेल वहाँ पर लिखी हुई होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने नया सिलेंडर देख कर लिया और इसका वजन चेक करने के लिए बोला, तो उन्होंने वजन मापने का यंत्र बड़े गोदाम में भूल आने का बहाना बना दिया। इसके तुरंत बाद ही दोस्तों, मैंने पास वाले किसी दुकान पर इंडियन गैस सिलेंडर का वजन चेक किया, तो मुझे इसका कुल टोटल वजन 26.370 देखने को मिला, जिसमें कम से कम 2 से 2.5-3 किलो गैस कम थी, जिसका प्रूफ आप मेरे मोबाइल से खींची गई इस फोटो को देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ही मैंने इस इंडियन गैस सिलेंडर को वापस करने की जैसे तैसे मांग की, तो उन्होंने मुझे उसके बदले एक पुराना सा इंडियन गैस सिलेंडर दे दिया, और फिर मैंने उसका भी वजन चेक किया तो मुझे उसका वजन एकदम सही देखने को मिल गया। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं हो सकता कि ये बेईमानी सिर्फ नए गैस सिलेंडरों में की जा रही है और पुराने गैस सिलेंडरों में नहीं की जा रही, और यह भी ज़रूरी नहीं कि यह बेईमानी सिर्फ इंडियन गैस सिलेंडर में ही देखने को मिल रही है। यह सभी गैस सिलेंडर, चाहे वह भारत गैस हो या चाहे HP गैस हो, सभी में यह बेईमानी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है मैंने मेरे बहुत ही कम शब्दों में आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि पता चल सके अपने सभी फ्रेंड्स को इन सभी सिलेंडरों की बेईमानी के बारे में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इतना ही, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑल पर सेट करेंगे। धन्यवाद।